हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कहानी लालची कुत्ता। कहानी को शुरू से लेके अंत तक बहुत ध्यान से सुनना है और अच्छी लगे तो इसको सबके साथ शेयर करना है। तो चलो बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट कहानी लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था, परंतु उसे भोजन का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। दिन भर कड़ी धूप में घूमने के बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त हुआ। वह बहुत दिनों से भूखा था, इसीलिए रोटी के टुकड़े को प्राप्त करके किसी सुरक्षित स्थान पर खाना चाहता था, जहाँ कोई अन्य कुत्ता न हो। उसे यह भय सता रहा था कि कोई अन्य कुत्ता उससे यह रोटी का टुकड़ा न छीन ले। यदि कोई उससे आज यह रोटी का टुकड़ा छीन लेता है तो उसे कल की तरह रात्रि में भूखा सोना पड़ेगा। उसके मन में विचार आया कि वह रोटी के टुकड़े को थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे खाएगा, जहां अन्य कोई कुत्ता भी नहीं होगा और वह बड़े शांत मन से रोटी को ग्रहण कर पाएगा। वह नदी की ओर चल दिया और नदी के पास पहुंचते ही उसे नदी में किसी अन्य कुत्ते का प्रतिबिंब दिखाई दिया। असल में यह प्रतिबिंब तो उसका खुद का था, परंतु वह इसे ना पहचान सका। प्रतिबिंब को देखते ही उसने सोचा कि यदि मैं इस कुत्ते से रोटी का टुकड़ा छीन लूं, तो मेरे पास दो रोटी हो जाएंगी और भूख भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद वह अपने ही प्रतिबिंब को डराने के लिए ज़ोर से भौंकने लगा। जैसे ही वह भौंका, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नदी में गिर गया। नदी का तेज बहाव होने की वजह से वह टुकड़ा पल भर में उसकी पहुंच से बहुत दूर चला गया। रोटी के टुकड़े के गिरते ही उसे समझ आ चुका था कि नदी में कोई अन्य कुत्ता नहीं था, बल्कि उसका ही प्रतिबिंब उसने देखा था। उसे यह भी समझ आ गया कि लालच के कारण ही उसके द्वारा प्राप्त की गई रोटी का टुकड़ा उसे ना मिल पाया और उसे उस रात भूखे पेट ही सोना पड़ा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए, वरना लालच के कारण मिला हुआ भी चला जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी लालची कुत्ता, जिसमें कुत्ते ने अपनी लालच के कारण मिली हुई एक रोटी भी गवा दी। तो हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।